नमस्कार बच्चों, कल के वीडियो में हमने प्रश्न संख्या 15 के मिश्र धातुओं की परिभाषा क्या होती है इसके बारे में हमने समझा था कि दो या दो से अधिक धातुओं का समांग मिश्रण मिश्र धातु कहलाता है। उसी क्रम में बच्चों आज हम अगला प्रश्न लेते हैं। ये कुछ प्रश्न इस तरह के हैं कि बहुत छोटे हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और अक्सर बोर्ड परीक्षाओं में ये पूछे जाते रहे हैं। बच्चों अगला प्रश्न है कि हेमेटाइट आयस का सूत्र क्या होता है। बच्चों हेमेटाइट आयस का सूत्र Fe2O3। इसी तरह एक और प्रश्न बच्चों कि कॉपर पाइराइट का सूत्र लिखिए, तो ये CuFeS2, कॉपर पाइराइट यानी CuFeS2। बच्चों अगला प्रश्न संख्या 17 के अत्यधिक सक्रिय धातुओं का निष्कर्षण किस विधि के द्वारा करते हैं, यानी जो धातुएं बहुत ज़्यादा सक्रिय होती हैं उनको उनका जो निष्कर्षण है वो किस विधि के द्वारा होता है। तो बच्चों जो धातुएं अधिक सक्रिय होती हैं उन धातुओं का निष्कर्षण हम विद्युत अपघटन विधि के द्वारा करते हैं। बच्चों जो विद्युत अपघटन होता है वो उनके लवणों के विद्युत अपघटन के द्वारा किया जाता है। बच्चों अगला प्रश्न इसी श्रृंखला में कि तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य कौन कौन से होते हैं। तो बच्चों तांबे के शुद्धिकरण में प्रयुक्त होने वाला जो विद्युत अपघट्य है वो कॉपर सल्फेट यानी CuSO4 का विलयन होता है। इसी तरह से बच्चों एक और छोटा सा प्रश्न है कि ऐसी कौन सी धातुएं हैं जिनको यदि हम अपनी हथेली के ऊपर रखें तो वो पिघलने लग जाती हैं। इसका अर्थ ये कि इस तरह की जो धातुएं के इनका जो गलनांक बहुत कम होना चाहिए। तो ऐसी जो धातुएं हैं बच्चों उनका जो नाम है वो है गैलियम और सीजियम। यानी गैलियम और सीजियम ये इस तरह की धातु हैं कि इनको यदि हम अपनी हथेली के ऊपर रखते हैं तो ये पिघलने लगती हैं, क्योंकि बच्चों इनका जो गलनांक है वो बहुत कम होता है। बच्चों इसी तरीके से हमसे परीक्षा में ये भी पूछा जा सकता है कि अपर रूप किसे कहते हैं। तो बच्चों अपर रूप अर्थात एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप हों, यानी एक ही तत्व भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाए और उन रूपों के जो गुण हैं वो भी भिन्न भिन्न हो, तो वो उस तत्व के अपर रूप कहलाते हैं। बच्चों एक ही तत्व के भिन्न भिन्न रूप जिनके गुणों में भिन्नता होती है अपर रूप कहते हैं। इसके सबसे अच्छे जो उदाहरण हैं हीरा और ग्रेफाइट। हीरा और ग्रेफाइट ये दोनों ही कार्बन के अपर रूप हैं। बच्चों इसी तरह से एक और अच्छा प्रश्न कि सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा होता है, यानी ऐसे प्राकृतिक पदार्थ का नाम बताइए जो सबसे कठोर होता है। बच्चों ऐसा कठोर पदार्थ हीरा होता है, हीरा। बच्चों कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण होती हैं और उनकी जानकारी हमको नहीं होती है। ये विज्ञान के कुछ इस तरह के तथ्य हैं जो हमको पता होने चाहिए। कुछ तथ्य इस तरह के हैं कि इनका उपयोग जनरल नॉलेज में भी होता है, तो इसलिए बच्चों इन प्रश्नों को याद करना बहुत आवश्यक है। तो आप इन सभी प्रश्नों को बड़े ध्यान से इस वीडियो के द्वारा सुनेंगे और अपनी कॉपी में भी आप नोट करेंगे। बच्चों इसी क्रम में अगला प्रश्न हम लेते हैं कि जंग किसे कहते हैं। बच्चों आपने अक्सर देखा होगा कि लोहे से बनी वस्तुओं पर एक भूरे रंग की परत चढ़ जाती है जिसे हम जंग कहते हैं।
बच्चों, जब लंबे समय तक हम लोहे से बनी वस्तुओं को आर्द्र वायु में रख देते हैं तो इनके ऊपर एक भूरे रंग की लेयर जम जाती है। इस लेयर को ही या इस परत को हम जंग कहते हैं बच्चों। इसी तरीके से अगर हम अगला प्रश्न लेते हैं कि सक्रियता श्रेणी क्या होती है या सक्रियता श्रेणी किसे कहते हैं। बच्चों, जब हम धातुओं को उनकी क्रियाशीलता के हिसाब से एक अवरोही क्रम में व्यवस्थित कर दें, अवरोही क्रम यानी बड़े से छोटे की ओर, आरोही क्रम यानी छोटे से बड़े की ओर, तो अधिक क्रियाशीलता से अधिक, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, फिर उससे कम, अगर इस तरह का जो क्रम होता है जिसे हम कहते हैं अवरोही क्रम, तो बच्चों जब धातुओं को क्रियाशीलता के अवरोही क्रम में हम व्यवस्थित करते हैं तो जो सूची हमको प्राप्त होती है उस सूची को हम सक्रियता श्रेणी कहते हैं। बच्चों, अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 23, कि आयनिक यौगिक ठोस अवस्था में विद्युत का चालन नहीं करते। बच्चों, जो आयनिक यौगिक होते हैं और वो ठोस अवस्था में हैं तो वो विद्युत का चालन नहीं करते, ऐसा क्यों? इसका उत्तर हम इस तरीके से समझेंगे कि जो ठोस अवस्था में जो दृढ़ संरचना होती है बच्चों, आयनिक यौगिकों की जो ठोस अवस्था है वो एक दृढ़ संरचना है, और इस दृढ़ संरचना के कारण आयनों की गति संभव ही नहीं है। यानी जब वो इतनी, उसकी संरचना इतनी दृढ़ है तो उसमें आयनों की गति हो नहीं सकती, और जब आयनों की गति संभव नहीं है तो हम बच्चों ये कह सकते हैं कि उसमें विद्युत का चालन भी नहीं होगा। बच्चों, इसी श्रृंखला में एक अन्य प्रश्न कि गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं, गैल्वेनीकरण किसे कहते हैं। बच्चों, जो लोहे या इस्पात से जो बनी हुई वस्तुएं होती हैं उनको हम जंग से सुरक्षित रखने के लिए उन वस्तुओं के ऊपर एक जस्ते की पतली लेयर चढ़ा देते हैं, तो लोहे और इस्पात को जंग से बचाने के लिए उनके ऊपर जस्ते की जो परत चढ़ाई जाती है, इस प्रक्रिया को ही बच्चों हम गैल्वेनीकरण कहते हैं, और इसको यस दलेपन भी कहते हैं। यानी इसका जो नाम है वो यस दलेपन के नाम से भी हम इसको जानते हैं। तो बच्चों, आपने देखा कि ये छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। बच्चों, इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं कि किन्हीं दो उभयधर्मी ऑक्साइडों के नाम बताइए। बच्चों, कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO, नाइट्रस ऑक्साइड यानी N2O, ये दोनों ही उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। तो बच्चों, अगर ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है तो आप ये दोनों नाम लिख देंगे। इसी तरह से बच्चों, अगला प्रश्न, अमलगम किसे कहते हैं, अमलगम किसे कहते हैं। तो बेटा, अमलगम, अमलगम को समझने के लिए आप ऐसे समझिए कि एक मिश्र धातु हमको तैयार करनी है, लेकिन उस मिश्र धातु में एक धातु मरकरी होनी चाहिए। अगर उसमें एक धातु मरकरी है तो ऐसी मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। या हम संक्षेप में इसको परिभाषित करें तो हम इस तरह से करेंगे कि मिश्र धातु बनाते समय यदि एक धातु मरकरी है तो इसके मिश्र धातु को हम अमलगम कहते हैं। बच्चों, ये बहुत छोटे छोटे प्रश्न हैं लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। एक और प्रश्न हम लेते हैं अगला, क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को डुबोया जाता है। बच्चों, अक्सर मतान में पूछा जाता है कि क्या होता है जब कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक से जो बनी पट्टी है उसको हम डुबाते हैं। तो बच्चों, कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक की पट्टी को जैसे ही हम डुबाते हैं तो बच्चों
कॉपर उससे सेपरेट हो जाता है, यानी कॉपर उससे अलग हो जाता है। साथ में बच्चों जो कॉपर सल्फेट का जो नीला रंग होता है, यानी कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन का जो नीला रंग होता है, वो धीरे धीरे गायब होने लगता है और बच्चों जिंक सल्फेट बनता है। बच्चों ये जो जिंक है ना, वो कॉपर से अधिक क्रियाशील है। इसको हम एक अभिक्रिया के द्वारा भी लिखेंगे, जैसा कि मैंने नोट्स में नीचे दिया हुआ है, CuSO4 एक्वस, यानी CuSO4 का जो जलीय विलयन है, और प्लस जिंक, तो इससे बनने वाला ZnSO4 और प्लस Cu। तो बच्चों इस तरह से अभिक्रिया को लिखना आवश्यक होता है रसायन विज्ञान के अंतर्गत। बच्चों एक प्रश्न और हमारे मन मस्तिष्क में आ रहा है कि सोना जो होता है, इसकी शुद्धता की माप किस प्रकार से होती है, यानी सोने की जो शुद्धता है उसे किस में मापा जाता है। बच्चों सोने की जो शुद्धता है वो कैरेट में मापी जाती है। शुद्ध सोना हमेशा 24 कैरेट का जो सोना होता है उसे हम शुद्ध सोना कहते हैं, यानी शुद्ध सोने को 24 कैरेट कहते हैं। ये 24 कैरेट का जो सोना होता है बच्चों, ये बहुत नर्म होता है, और नर्म होने के कारण इससे आभूषण नहीं बनाए जा सकते। तो बच्चों आभूषण बनाने के लिए इसका कठोर होना आवश्यक है। तो इसकी कठोरता को बढ़ाने के लिए कारीगर इसमें चांदी या तांबा मिलाते हैं। बच्चों भारत में अधिकांश रूप से आभूषण बनाने के लिए हम 22 कैरेट सोने का प्रयोग करते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि उसके जो 2 कैरेट के बराबर जो हिस्सा होता है, यानी कि 22 कैरेट सोना होगा और उसमें 2 जो भाग हैं वो तांबे अथवा तो चांदी के, अथवा तांबा और चांदी दोनों के एक निश्चित अनुपात में मिलाए जाते हैं। बच्चों तब जाकर के सोने के आभूषण बनाना संभव होता है। तो बच्चों अगर आपसे कोई यह कहता है कि हम, अगर आप किसी दुकान पर जाते हैं कि अरे हम आपको बिल्कुल प्योर सोने के आभूषण दे रहे हैं, तो आप उससे पूछ सकते हैं कि क्या प्योर सोने से आभूषण बनाए जा सकते हैं। हमारी तो जानकारी में जो है वो ये है कि जो शुद्ध सोना जो होता है 24 कैरेट का, उसके आभूषण बनना संभव ही नहीं है, क्योंकि वो तो बहुत नरम होता है। तो बच्चों ये आपकी जनरल नॉलेज के लिए भी है, और ये आपके विज्ञान में इस चैप्टर का एक मुख्य प्रश्न भी है, तो आप इसको अच्छी तरह से समझ लेंगे और आप इसको याद भी कर लेंगे, और ये जनरल नॉलेज का प्रश्न है ये। बच्चों इसी क्रम में हम अगला प्रश्न लेते हैं कि अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है। बच्चों अयस्कों का सांद्रण क्यों किया जाता है, इसको समझें हम ध्यान से। खनिज अयस्कों में बच्चों अनेक प्रकार की इम्प्योरिटीज मिली होती हैं, अशुद्धियां जिनको हम बोलते हैं, जैसे पत्थर के टुकड़े हैं, मिट्टी है, इस तरह की और भी जो अशुद्धियां होती हैं वो सब खनिज अयस्कों में मिली हुई होती हैं। और इन अशुद्धियों को ही बच्चों हम गैंग बोलते हैं, अथवा तो अघात्री हम कहते हैं। तो सांद्रण की जो क्रिया है या सांद्रण का जो प्रोसेस है, इसके द्वारा इन इम्प्योरिटीज को दूर किया जाता है, और सांद्रण की जो क्रिया है उसके बाद जो हमको अयस्क प्राप्त होता है वो धातु के निष्कर्षण के लिए अधिक उपयुक्त बन जाता है। यानी हम ये कह सकते हैं कि जो सांद्रण की क्रिया के बाद जो हमको अयस्क प्राप्त होता है, वो अयस्क जो है वो शुद्ध अयस्क होता है, जिससे हमें धातु का निष्कर्षण करने में बहुत आसानी रहती है। बच्चों एक और प्रश्न हम इसी क्रम में लेते हैं। इम्तहान में कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं भी पूछ ली जाती हैं, जैसे कि
भाप के साथ, भाप के साथ आयरन की अभिक्रिया दीजिए। तो बच्चों इसकी अभिक्रिया को हम ऐसे लिखेंगे जैसा आप नोट्स में देख सकते हैं कि 3Fe प्लस 4H2O और इससे Fe3O4 प्लस 4H2। बच्चों इसी तरीके से एक और प्रश्न हम लेते हैं कि जल के साथ यदि कैल्शियम की अभिक्रिया जाए तो इसकी रासायनिक अभिक्रिया क्या होगी, अथवा तो जल के साथ पोटेशियम की अभिक्रिया कराई जाए तो इसका रासायनिक समीकरण क्या होगा। तो बच्चों जब जल के साथ हम कैल्शियम की अभिक्रिया कराते हैं तो ये समीकरण होती है Ca+2H2O, आगे तीर का निशान लगाएंगे, CaOH2+H2। यदि हम जल के साथ में पोटेशियम की अभिक्रिया कराएं तो बच्चों इस तरीके से अभिक्रिया होगी, 2K+2H2O, आगे तीर का निशान लगाएं, 2KOH+H2। बच्चों कल एक बच्चे ने मुझसे मैसेज करके एक प्रश्न पूछा था कि सर ये रासायनिक अभिक्रियाओं में जो ब्रैकेट में जैसे Ca यानी कैल्शियम और पोटेशियम के आगे ब्रैकेट में S लिखा हुआ है, H2O के आगे L लिखा हुआ है और ये COH2 के आगे AQ लिखा हुआ है, H2 के आगे आपने सर ये G लिखा है, इनके क्या मतलब होते हैं। बच्चों H2 एक गैस है तो जो जी आगे लिखा है वो गैस का सिंबल है, इससे पता लग रहा है कि H2 गैस है। COH2 इसके आगे AQ का मतलब एक्वस यानी जलीय। तो बच्चों ये COH2 एक जलीय विलयन है, H2O ये बच्चों पानी है, लिक्विड है, ये द्रव है। ये इसी तरह से बच्चों कैल्शियम और पोटेशियम ये धातुएं हैं, इनके आगे जो S लिखा है दैट मीन्स सॉलिड, यानी इसके ये ठोस कण हैं ये कैल्शियम के और पोटेशियम के। तो बच्चों सिंबॉलिक लैंग्वेज में हम इनको ये इसलिए लिख देते हैं ताकि हमको ये पता रहे कि ये क्या है। बच्चों एक और प्रश्न हम लेते हैं कि सोना, चांदी और ये जो प्लैटिनम, इनके आभूषण बनाए जाते हैं तो ऐसा क्यों होता है कि इन्हीं के आभूषण बनाए जाते हैं, अन्य धातुओं के आभूषण क्यों नहीं बनाए जाते, एक ये प्रश्न हमारे मन में आ सकता है। बच्चों सोना, चांदी और प्लैटिनम तीनों ही कीमत के हिसाब से बहुत महंगे होते हैं, ये तो हम सभी जानते हैं, लेकिन बच्चों इनकी जो सक्रियता है वो कम होती है, यानी अभिक्रिया करने की जो सक्रियता, जो क्रम है इनका, उनकी जो सक्रियता है वो कम होती है। तो बच्चों ये कम क्रियाशील होते हैं, सोना, चांदी और प्लैटिनम ऑक्सीजन के साथ, नमी के साथ या अम्लों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते हैं जैसा कि अन्य धातुएं करती हैं। तो जब ये जब नमी के साथ, ऑक्सीजन के साथ, अम्लों के साथ आसानी से क्रिया नहीं करते, इसीलिए ये संक्षारित नहीं होते हैं, इनका संक्षारण नहीं होता है, यानी इनका क्षरण नहीं होता है, क्योंकि इनके ऊपर कोई जंग किया उसकी लेयर नहीं बनती है। तो बच्चों इसलिए क्योंकि इनका संक्षारण नहीं होता है, एक तो ये लाभ है, और दूसरा सबसे बड़ी बात ये है कि इनकी जो चमक है वो कभी कम नहीं होती, इनकी चमक हमेशा बरकरार रहती है, इनकी चमक बरकरार रहती है। तो बच्चों सोना, चांदी और प्लैटिनम के आभूषण इसलिए बनाए जाते हैं क्योंकि इनकी जो सक्रियता है वो कम होती है, जिसके कारण ये कम क्रियाशील होते हैं, ऑक्सीजन, नमी और अम्लों से आसानी से क्रिया नहीं करते, जिसके कारण संक्षारण नहीं होता है और इनकी जो चमक है वो बरकरार रहती है। तो बच्चों आज हमने इतने प्रश्नों को इसमें देखा और समझा। बच्चों मैं आशा करता हूँ कि ये सभी प्रश्न आप अपने उत्तर पुस्तिका में इनको भली भांति उतार लेंगे। आज आपको इस वीडियो के बाद में एक PDF फाइल भी आपको मिल जाएगी, तो नोट्स उतारने के लिए
आप पीडीएफ फाइल का उपयोग कर सकते हैं और इस पीडीएफ फाइल में इस चैप्टर के सारे नोट्स एक तरफ से यानी क्रम से होंगे। बच्चों, जब मैंने पहला पाठ आपको करवाया था तो पहली पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसमें क्रम से सारे के सारे नोट्स थे। ऐसे ही दूसरी पीडीएफ फाइल भेजी थी, उसमें दूसरे चैप्टर के सारे नोट्स थे। अब मैं तीसरे चैप्टर की पीडीएफ फाइल आपको भेज रहा हूँ, इसमें भी इसके सारे नोट्स क्रम से हैं। इनको आप अपनी कॉपी में उतार लें। बहुत से बच्चे मैसेज करके पूछते हैं कि सर कॉपी कैसी बनानी है। अरे कॉपी कैसी बनानी है, ये बचपने की बातें आप छोड़िए। आपके पास जैसी भी कॉपी हो, रजिस्टर हो, छोटी कॉपी हो, एक तरफ पे लाइन वाली हो, दोनों तरफ लाइन वाली हो, कैसी भी कॉपी जो भी आपके पास हो उसी को आप बना लीजिए। जैसी भी कॉपी आपके पास हो वैसी आप बना लीजिए। एक बच्चे ने मुझसे पूछा कि सर रफ कॉपी बनानी है कि फेयर कॉपी बनानी है। ये मूर्खतापूर्ण प्रश्न आप बिल्कुल भी ना करें। इससे ये जाहिर होता है कि आप जो है अपनी मूर्खता को प्रदर्शित कर रहे हैं। रफ कॉपी के मायने क्या होते हैं? रफ कॉपी एक ऐसी कॉपी होती है जिसमें हम किसी भी सब्जेक्ट का काम कच्चा के अंदर करते हैं, सारे विषयों का काम रफली हम उतार के ले जाते हैं, घर जाके उसको फेयर करते हैं। तो रफ कॉपी का यहाँ क्या आशय है रफ कॉपी से? अरे मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप उसको नोट्स तैयार करिए। नोट्स का मतलब किसी एक कॉपी में, रजिस्टर में क्रम से विषय वाइज, सब्जेक्ट वाइज आप जो है हर विषय के अलग अलग जो है कॉपी तैयार करें, उनके नोट्स आपके बन जाएंगे जिनसे आप आसानी से याद कर सकेंगे। तो बच्चों, आज मैं अपनी बात यहाँ समाप्त करता हूँ। नमस्कार।